तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगी होती है, इनकी ग्लोबली काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, यानी कि इनकी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है, तो इससे इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप्स और क्या है ये पूरा इशू, आइए बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में। तो मैं हूँ शुभम रावत, वेलकम टू लॉजिकल टेक्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या है। तो इसके बारे में आपको कोई डीप स्टडी में नहीं ले जाने वाला, मैं एक बहुत ही बेसिक से एक आइडिया देने वाला हूँ आपको। तो इसका रेफरेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर लैपटॉप्स होते हैं, उनमें सीपीयू लगा होता है, सीपीयू के अंदर होती है आईसी, और ये आईसी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बिना आईसी नहीं बन सकती है। आप ये समझ लो कि आईसी सेमीकंडक्टर चिप है, और सेमीकंडक्टर चिप अगर हमको नहीं मिल पाएगी तो आईसी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से सीपीयू नहीं बन पाएगा, और सीपीयू नहीं बन पाएगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज़ बेसिकली हमारे फ़ोन, लैपटॉप या फिर बाकी सारे होम अप्लाइंसेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसका यूज़ हेल्थ सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, हमारे सैटेलाइट्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल इशू हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, और उस डिमांड को मैच करने के लिए इसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है, और इसका सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है वो ऑटो इंडस्ट्री को हुआ है, यानी कि ऑटो सेक्टर को हुआ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के हमें बाकी सेक्टर्स में भी इसका लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है, इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसमें $60 बिलियन का लॉस हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। $60 बिलियन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, और इसका जो ये लॉस है सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हो इन मार्केट लीडर्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनके कई जगह पे प्रोडक्शन बंद हो चुके हैं, कई जगह प्लांट्स बंद हो रहे हैं, कई यूनिट्स में प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इसमें। यहाँ पे आपको होंडा से लेके टोयोटा, जनरल मोटर्स या फिर टेस्ला और ऑडी वगैरह जितने भी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबको इसका नुकसान हुआ है। तो बात करते हैं कि ये इशू आखिर हो क्यों रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका सबसे बड़ा रीज़न COVID-19 है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जो थे वो वर्क फ्रॉम होम का आइडिया पे काम कर रहे थे, और इस वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप्स या फिर हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, इनकी नीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों ने इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो क्योंकि लॉकडाउन में लोग ज़्यादातर घर पे थे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप्स हो या फिर हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो, स्मार्ट टीवीज है, स्मार्ट स्पीकर्स है या फिर हमारे गेमिंग कंसोल्स हो, जैसे कि प्लेस्टेशन या फिर एक्सबॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स की सेल्स में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे पिछले साल। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो लॉकडाउन में कार्स की इतनी सेल नहीं हुई थी, जिस वजह से काफ़ी सारे यूनिट्स में इनका प्रोडक्शन रुक गया था, और इस वजह से काफ़ी सारा लॉस हुआ है यहाँ पे। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स की नीड होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो एक तरीके से शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के फील्ड में आ गई थी, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसको काफ़ी सारा लॉस हुआ लॉकडाउन खुलने के बाद। अब अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या काम है कार्स को बनाने में, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स बनती है उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसका 40% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, यानी कि उसकी पावर स्टीयरिंग से लेके उसका LED डिस्प्ले और उसके कैमरेज और उसमें जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं वो सारा का सारा 40% कॉस्ट बना देता है पूरी कार की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन की वजह से काफी सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेक्टर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5G डिवाइसेज हमने काफी देखे पिछले साल आते हुए, और 5G डिवाइसेज में जितने भी 4G डिवाइसेज होते हैं उनसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स की यहाँ पे जरूरत होती है। और क्योंकि इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ पिछले साल, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे थे तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इसकी वजह से डेटा सेंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा सेटअप करने पड़े, और डेटा सेंटर्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी फ्यूचर प्लानिंग सही नहीं थी पेंडेमिक से डील करने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनीज को स्टॉक में रखनी चाहिए थी सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसकी वजह से उसकी शॉर्टेज नहीं हो पाती। तो ये इशू तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर इसका सोल्यूशन देखें, अगर आप सोचें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता कौन है और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट होते हैं उनको सेटअप करने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक दो महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसको सेटअप करने में ही आपको कम से कम 1.5-2 साल तो आराम से लग ही जाएंगे, 1 साल से कम टाइम में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भी 2 सेपरेट कंपनीज अलग अलग काम करती है, उसके बाद इसका प्रोडक्शन पूरा हो पाता है। तो पहले कुछ कंपनीज इसका डिज़ाइन बनाती है, जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करती है, और जो कंपनीज इसका डिज़ाइन बनाती है उनको कहते हैं फैबलेस कंपनीज, जिसमें कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो यहाँ पे क्वालकॉम से लेके ब्रॉडकॉम,
AMD, Nvidia, even Apple, यहाँ पे जितने भी ये कंपनीज है ये सारी फैबलेस कंपनीज है, ये सिर्फ डिजाइन बनाती हैं। और इन कंपनीज के डिजाइन को लेके यानी कि फैबलेस कंपनीज से डिजाइन को लेके जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उनको कहते हैं फाउंड्रीज। तो फाउंड्रीज में बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी जो सामने निकल के आती है वो है TSMC। TSMC ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंड्री है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो SMIC है जो कि एक चाइना की कंपनी है, और ग्लोबल फाउंड्रीज है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इसके अलावा एक टर्म है इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, यानी कि ऐसी कंपनी जो फैबलेस और फाउंड्रीज का काम एक साथ करती है। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सामने जो नाम निकल के आता है वो है इंटेल और सैमसंग का। तो फिलहाल के लिए इंटेल और सैमसंग ये डिजाइन भी खुद क्रिएट करती है और मैन्युफैक्चर भी खुद कर लेती है उसे, लेकिन डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल का नहीं हो सकता है कि जो अभी लॉस हो रखे हैं उसको वो रिकवर कर पाए। अब एक चीज़ अगर आप में से किसी ने नोटिस की हो तो मैंने जो भी फैबलेस आपको बताई है कंपनी, उसमें सारी की सारी मेजॉरिटी जो कंपनीज है वो सारी की सारी US बेस्ड है, यानी कि US बेस्ड कंपनीज डिज़ाइन बना लेती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम वहाँ पे नहीं होता ज़्यादा। तो इससे आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो कि US बेस्ड जितनी भी कंपनीज है वो डिज़ाइन बनाने के फील्ड में काफ़ी आगे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप्स की सेल होती है उसका 47% US की कंपनीज ले जाती है, यानी कि इंपोर्ट करती है 47%। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में US की कंपनी सिर्फ 12% ही क्रिएट कर पाती है, यानी कि 12% बहुत कम है 47% के कंपैरिजन में। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो US का काफी कम है और इम्पोर्ट वो ज्यादा करते हैं। और इसी चीज से डील करने के लिए वहाँ पे जो प्रेजिडेंट है उनके मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने अब रिसेंटली एक ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने ये एड्रेस किया है कि यहाँ पे में US बेस्ड कंपनीज है वो खुद का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट करें और ज्यादा इसमें दूसरी कंपनीज पे दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे। मेरे हिसाब से हमारी कंट्री को भी इसमें काम करना चाहिए, और इंडिया में अभी ये काम ज्यादा नहीं हो पाता है लेकिन अगर होता है काम जब भी फ्यूचर में तो इससे इंडिया को और बाकी कंट्रीज को भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अब अभी की कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो चिप शॉर्टेज का इशू है ये इस साल के एंड तक खत्म हो सकता है, उससे पहले तो ये खत्म नहीं होने वाला है। इस साल के एंड तक ये खत्म हो सकता है या फिर अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो ये अगले साल तक खत्म हो पाएगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव टाइप का ये वीडियो हो गया था लेकिन इस चीज़ के बारे में बात करना जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया इस चीज़ के बारे में, और इस चीज़ को लेके जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, इतना ही था इस वीडियो के लिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।